सो वाले भाई कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज के शो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के इनकमिंग कॉल के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप अपना फोटो कैसे सेट कर सकते हो जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा। मैं आपको एक कॉल करके दिखा देता हूं कि आखिर जो हमारा इनकमिंग कॉल का स्क्रीन है वो देखने में कैसा लगता है। तो हम अपने फोन को लॉक कर देते हैं और मैं यहां पे दूसरे फोन से कॉल करता हूं, ठीक है। तो हमारा जो कॉल है वो आने वाला है। आप देख सकते हो कि जो हमारा इनकमिंग कॉल है देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह गाइस आप भी इनकमिंग कॉल के बैकग्राउंड को चेंज करके यहां पे आप अपना फोटो सेट कर सकते हो। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा, आपसे पूछेगा कि यार आपने इस चीज को कैसे किया है, ठीक है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो जो आंसर स्टाइल है ये भी काफी ज्यादा स्टाइलिश है। यहां पे गाइस आप आंसर स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। आप आईफोन का अप्लाई कर सकते हो, गूगल पिक्सल का कर सकते हो, काफी सारे फोन का आपको यहां पे आंसर स्टाइल भी मिलेगा। जो भी आपको पसंद आए आप उसको सेट कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके ये जो बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे गाइस मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं, ठीक है। आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आपको सबसे पहले अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है ट्रूफोन। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 10 मिलियन से भी ज्यादा बार ये डाउनलोड किया जा चुका है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन में सेटअप करना है। दोस्तों वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि गाइस काफी सारे लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। वो कमेंट करते हैं कि हमारे फोन में एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, सेटअप नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी दोस्तों आप अपने फोन में एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको इन सभी परमिशन को एक एक करके अलाउ कर देना है, ठीक है। आपको गाइस सबसे पहले एप्लीकेशन को डिफॉल्ट पे सेट करना है। आपको सेट पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको ट्रू फोन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। अब आपको सेकंड वाले परमिशन को अलाउ करना है। इसके बाद आपको थर्ड वाले को अलाउ कर देना है। इस तरह दोस्तों आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग को ओपन करना है। अब आपको यहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस का, आपको इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहां पे और भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, काफी सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोटोज एंड अवेटर्स, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट विथ नंबर फोटो, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पे चार ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा पिक फ्रॉम गैलरी का, आपको इस पे इस तरह क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके फोन की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहां से उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप इनकमिंग कॉल के बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे ये वाला फोटो हम सेट करना चाहते हैं तो इस फोटो को हम यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो सेट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको फोटो को सेट कर लेना है। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा अननोन नंबर्स का, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको फिर से पिक फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। अब आपको फिर से अपने फोटो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहां का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग कॉल स्क्रीन, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहां पे काफी सारे फीचर्स मिलेंगे। आपको यहां पे फोटो स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, आंसर स्टाइल का, ठीक है, कि दोस्तों आप यहां से इनकमिंग कॉल के स्क्रीन वाले फोटो को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो दोस्तों आपका जो फोटो है कुछ इस तरह के शेप में दिखेगा, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आपको यहां पे फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा फोटो स्टाइल का, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको यहां पे काफी सारे शेप मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमें ये पहला वाला जो शेप है ये पसंद नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको सेकंड वाले शेप पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो फोटो है कुछ इस तरह के शेप में दिखेगा, ठीक है। तो हमें जो पसंद है पहला वाला तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब दोस्तों आपको यहां पे सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन मिलेगा आंसर स्टाइल का,
गाइस आप यहां पे देख सकते हो जो आंसर स्टाइल है ये आईफोन का, ठीक है। अगर दोस्तों आपको आईफोन का जो आंसर स्टाइल है वो पसंद नहीं है तो आप इसको बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको आंसर स्टाइल पे क्लिक करना है, आपको यहां पे काफी सारे आंसर स्टाइल मिल जाएंगे, गूगल, आईफोन, हुवेई, एसुस, जो भी आपको पसंद आए आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमें गूगल का सेट करना है तो हम गूगल पे टिक कर देते हैं, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो गूगल का आंसर स्टाइल आ चुका है। अब हुवेई पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो हुवेई का आ चुका है। इस तरह के आप आंसर स्टाइल को भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हम आईफोन वाले पे टिक कर देते हैं। अब गाइस हम एक कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं दूसरे फोन से इस पे कॉल करता हूं, तो दोस्तों यहां पे कॉल आने वाला है। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो इनकमिंग कॉल का बैकग्राउंड है देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह गाइस आप भी इनकमिंग कॉल के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम कॉल को रिसीव करते हैं। दोस्तों जब आप कॉल को रिसीव कर लोगे, ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब जो ऑनगोइंग कॉल स्क्रीन है आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको आंसर स्टाइल को चेंज करके दिखाता हूं। तो हम कॉल को कट कर देते हैं, अब हम फिर से आंसर स्टाइल को चेंज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें गूगल का पसंद है, ठीक है, तो हम गूगल पे टिक कर देते हैं। अब हम फोन को लॉक करते हैं, फिर से हम कॉल करते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हो जो आंसर स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। इस तरह गाइस आप आंसर स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप अपना फोटो सेट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।